नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं गुरुग्राम प्लस, मैं आपके साथ सोनी तहलान, और फिलहाल हम मौजूद हैं डिफेंस कॉलोनी में, जहां पर सवेरे ही इस जमीनी विवाद को लेकर, आपको हम जमीन दिखाना चाहेंगे, जमीनी विवाद को लेकर ही एक शख्स ने दूसरे शख्स को गोली मार दी। कादरपुर के रहने वाले शख्स को गोली मार दी गई, जिसके बाद उसको 3 गोलियाँ लगातार मारी गई, और घटना पर ही पुलिस को जो है जानकारी दी गई। पुलिस आई, पुलिस ने ही जो व्यक्ति था, घायल व्यक्ति को अस्पताल में एडमिट करवाया। ये जमीन है जहाँ पर इस जमीनी विवाद को लेकर ही दो शख्सों के बीच जो है विवाद चल रहा था। विवाद के चलते ही उस शख्स को गोली मार दी गई, उसको 3 गोलियां लगी हैं। फिलहाल वो अस्पताल में एडमिट है। तुरंत ही मौके पर पुलिस ने जो अपराधी है, अपराधी को पकड़ लिया, और अपराधी फिलहाल जो है पुलिस की कस्टडी में है। और जो जिसको गोलियाँ लगी थी, वो शख्स फिलहाल अस्पताल में एडमिट है। अब देखना ये है कि आगे इस विवाद पर क्या रहता है, क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करती है, और उस शख्स की क्या हालत है, ये भी हम आपको बताएंगे, और फिलहाल हम पुलिस से बात करेंगे। सर, डिफेंस कॉलोनी में जो गोली चली है, उसका क्या कुछ मामला है? हमें सूचना मिली थी कि डिफेंस कॉलोनी में गोली चली है, मंजीत नाम के लड़के ने गोली चलाई है और सुरजीत नाम के लड़के की लगी है। तो सर, अपराधी का क्या रहा गोली चलाने का? अपराधी को हम जल्दी ही काबू कर लेंगे। सर, किस मोटिव के लिए गोली चलाई? अभी उसने स्टेटमेंट दी नहीं है, आयु गया हुआ है, उसके बाद ही पता लग पाएगी मौके क्या था। जमीनी विवाद था सर, वो कुछ बताया जा रहा है? नहीं, जमीनी विवाद नहीं है, कुछ मिट्टी को लेकर कुछ विवाद था। क्लियर पता लगेगा उसके स्टेटमेंट के बाद। सर, कितनी गोली लगी है? वो आईओ बता पाएगा, डॉक्टर अभी उसके मेडिकल चेकअप कर रहे हैं, तो 2 गोली तो हैं, तो बाकी मेडिकल चेकअप। हालत ठीक है। साइबर सिटी में लगातार गोली चलने के मामले सामने आ रहे हैं। जहां मामला गुरुग्राम की डिफेंस कॉलोनी भोंडसी का आया है, जहां पर एक शख्स ने मिट्टी डालने को लेकर झगड़ा किया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दूसरे शख्स मंजीत ने सुरजीत को 3 गोलियां दाग दी, जो तीनों गोलियां सुरजीत के पैर पर लगी, जो कि गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित को गुरुग्राम के आर्टिमिस निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी अभी भी फरार बताया जा रहा है। भोंडसी पुलिस के द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब देखना ये होगा कि कार्रवाई कितनी जल्दी पूरी होती है। गुरुग्राम की हर छोटी बड़ी खबर के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें गुरुग्राम प्लस, और Facebook और Instagram पर फॉलो करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें कॉल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9643107600।